सबको। और यहाँ पे सुबह का टाइम है अभी और हम निकल चुके हैं बाहर जा रहे हैं। वैसे जा रहे हैं अभी जूनागढ़। तो कल सो शाम को कुछ प्लान नहीं था कि कहाँ पे जाएंगे, लेकिन शाम को ऐसा सोचा कि बच्चों को रोपवे की राइड कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे गए नहीं थे बीच में। अभी थोड़े दिन पहले बंद था वहाँ पर, तेज पवन की वजह से बंद था, पता नहीं था बंद है कि चालू। लेकिन कल मेरी सिस्टर सब गए थे तो उसने बोला रोपवे चालू है, तो अभी रोपवे का प्लान बनाया है कि वहाँ पे बैठेंगे। लेकिन अभी तेज बारिश की वजह से कभी भी वहाँ पे बंद भी हो सकता है, तो आई होप कि सब खुला ही हो। तो अच्छे से खुशी और पर्व दोनों ज्यादा एक्साइटेड है रोपवे में बैठने के लिए। तो देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है अभी, वरना जंगल की सैर करके आ जाएंगे वापस, है ना। बिल्कुल वैसे वहाँ पे भी अच्छा ही लगता है। हमारे बारिश आए तो छाता लेकर, साथ में छाता भी लिया है, भीग में गए तो साथ में छाता भी लिया, क्योंकि वहाँ पे हिल पे कभी भी बारिश आ सकती है, इसलिए साथ में रखना जरूरी होता है। तो मैंने सब ऐसी बहुत सारी चीजें साथ में रखती हूँ, कैरी करती हूँ ये दोनों के लिए, कपड़े वगैरह भी, कुछ नाश्ता वगैरह। यहाँ पर पर्वत लेके बैठ गया है अभी, यहाँ पर नाश्ता भी कर रहा है अभी, और साथ में कुछ खाने के लिए बहुत सारे उसने पैकेट्स भी लिए हैं, बिस्किट वगैरह सब बहुत सारे लिए हैं अभी। तो अभी निकले हैं राजकोट से बाहर, अभी पहुँच गए हैं। गए हैं पंचवटी होटल पे, रुके हैं यहाँ पर। अब अभी हम जूनागढ़ वोट गए हैं, मस्ती करते हैं। तो अभी गाठिया खाने का मन है थोड़ा बहुत, अभी यहाँ पर गाठिया खाएंगे। अभी गाठिया लेके आ गए चटनी के साथ। क्या लेके आ गए दोनों अभी पर्व, क्या लेके आए? ये ट्रफल साड़ी, दो चॉकलेट है उसकी है, और ये मेंटोस वाइट फ्रूट कॉन्टेस्ट, ये रेनबो है, ये लाइम और रेड। अभी पहुंच गए जूनागढ़ में और 10 बजने को आए हैं, और हमने पार्किंग में गाड़ी रख दी है। तो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही इतना टिकट काउंटर है, तो चल के जाना होगा। तो अभी यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो गया है, पर्व को यहाँ से बॉल खरीदना था, लेकिन अभी बॉल खरीद दिए हैं तो कैरी करके जाना होगा ऊपर। और रोपवे में ये सब कुछ अलाउड भी नहीं है, कुछ चप्पू वगैरह भी अलाउड नहीं होता, वो कुछ ऐसी चीज़ें भी, सेल्फी स्टिक वगैरह। तो यहाँ से नहीं रिटर्न में लेंगे, तो पर्व को रिटर्न में बॉल वगैरह ले देंगे। और यहाँ से लाइन स्टार्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो लाइन में खड़े रहते रहते दो ढाई घंटे अभी लग चुके थे। तो यहाँ गेट के पास पहुँचने में हमें थोड़ा बहुत सुबह का नज़ारा, तब बारिश कुछ कुछ सुबह सुबह रिमझिम थोड़ी बहुत आ रही थी, बाद में तो बहुत धूप भी थी। तो अभी यहाँ पर देखो कितना अच्छा वेदर नज़ारा सब है। तो अभी लाइन में खड़े रह के ही थक गए थे, क्योंकि उसके बोल रहे थे कि अभी चलो रिटर्न चलते, क्योंकि अभी एक बजे तक भी हमारे टर्न नहीं आया था, तो बोल रहे थे। लेकिन अभी इतनी देर वेट किया है तो अभी थोड़ी देर कर लेते हैं। तो ऐसे चल के अब फाइनली हमारा टर्न आ गया था। यहाँ पर टिकट काउंटर से टिकट खरीदी, और यहाँ सब बैग वगैरह सब कुछ चेक होता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो तो हमारे साथ होती है तो निकाल। Hey,
वेटिंग रूम में और बरो बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहा है अपनी। एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अभी आ गए हैं अंदर, वेटिंग रूम में बैठे हैं, 2 घंटे शायद हो गए बैठे। सो फाइनली उड़नखटोला में बैठ गए हैं, 2 घंटा 2.5 घंटा वेट किया है और यहाँ से पूरा जूनागढ़ सिटी भी देख रहे हैं। 1 बजने को है अभी, 1 बजने को आया, 10:30 बजे से मीटिंग में खड़े थे। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि मुझे लाइन देखने को मिलेगा, लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा नीचे। और नीचे थे तो वेदर बहुत ही अच्छा था, पूरे बादल सब आ गए थे, लेकिन अभी इतना नहीं है तो अभी बादल कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी बहुत ही अच्छा नजारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। परवा को ठंड लग रही है वैसे, तेज हवा चल रही है, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है देखो यहाँ पर।
भी हो चुका है लंच टाइम। तो वैसे लंच घर से लेके ही आए थे, थेपला सूखी भाजी सब लेके आए थे, और मेरे पास था छाता भी था, बहुत धूप है तेज यहाँ पर, तो बारिश तो नहीं है लेकिन छाता साथ में था, तो यहाँ पर बहुत धूप की वजह से ये रखा है यहाँ पर मैंने। और बर्व खुशी को भी ये पकड़ने में दिक्कत हो रही थी तो मम्मा को दे दिया, तो ये अभी भी मेरे पास है। और खुशी को चाहिए अभी टमाटर, तो वो टमाटर लेके आ गई। अभी हिल पे लंच एंजॉय हो रहा है। धूप तुझे ही लग रही है, हम लोग तो ठंडी की मजा ले रहे हैं। क्या खुशी, ठंडी है नहीं तो ठंडी की मजा कैसे? और यहाँ से हो नहीं ना महसूस करनी चाहिए, बहुत ज्यादा धूप है, मेरी तो आँख भी नहीं खुल रही है। अब तो चली गई। हाय डैडी, हाय, कहाँ पे हो? अरे किस जगह पे हो? जूनागढ़। जूनागढ़ में किस जगह पे? वो नहीं बोला है? वो नहीं बोला। गिरनार के ऊपर हो? माउंट, हाँ गिरनार माउंट के ऊपर। अभी हो चुका है दोपहर का टाइम, ढाई बज चुके हैं, खाना सब कंप्लीट करके वहाँ पे फोटोशूट वगैरह सब किया, एंजॉय किया सब, और थोड़ा बहुत सीढ़ी की ओर भी आ गए है। दत्तात्रेय जाने की सीढ़ी है यहाँ पर पीछे, तो यहाँ से भी 4,500 स्टेयर अभी भी है, लेकिन अभी वहाँ तक नहीं जाना क्योंकि अभी पर्वत को से दोनों अभी नहीं चढ़ सकते, थोड़ा बहुत जाएंगे अभी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा अभी तेज हवा चल रही है, तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठे हैं, उसके डैडी से उसके साथ बिजी है फोन में, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं अभी यहाँ पर, बहुत अच्छा फोन। वैसे आज बारिश नहीं है, कभी धूप कभी छाव ऐसा मौसम है यहाँ पर, और ठंडा ठंडा पवन सब है, बहुत तेज हवा चल रही है अभी। आप देखो मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं, जुल्फे उड़ रही है, मेरी जुल्फे उड़ रही है, बहुत तेज हवा है। वैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो ठंडी लग रही है। और बहुत सारे लोग बुजुर्ग है वो भी अभी सीढ़ी से आ रहे हैं, और अभी भी ऊपर दत्तात्रेय की ओर सीढ़ी पर भी जा रहे हैं, इतनी एज है फिर भी सब सीढ़ी से जा रहे हैं, हाथ में स्टिक वगैरह लेके। वो भी ये भी अच्छा लग रहा है कि हम इतने यंगस्टर्स हैं फिर भी अभी नहीं चढ़ सकते सीढ़ी से, तो वो लोग अभी भी इतने एज वाले हैं फिर भी ऐसा सब लोग सीढ़ी से जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कितने एज वाले हैं फिर भी अभी सीढ़ी से जा रहे हैं दादा। देखो कितने सारे लोग बुजुर्ग ही है, थोड़ा बहुत छोटे हैं हमारे जैसे, बाकी तो सब बड़े हैं फिर भी जा रहे हैं, और एक दादी माता के जैसे लेकिन फिर भी सीढ़ी से जा रहे, कितना भगवान पे विश्वास होता है कि सीढ़ी चढ़ के जाएंगे दर्शन के लिए। पर वो को जाना है सीढ़ी से ऊपर, नीचे तो तुझे किससे जाना है? किससे जाना है? अभी बोल रहा था कुछ, क्या बोल रहा था तू? ओ डैडी सो के दो, सो के दो। ओ डैडी अपने अभी नीचे के आ रही, जो मैं बोल रहा था नीचे तो तार इतनी बड़ी उतावर छे, ये मस्त पवन आ रहा है, बोले ना वो ना तो भी सुनिए, ये वो जो अभी तो तुम दोनों को अभी ऊपर की सीढ़ी लेके जाना है, उसमें नहीं जाना, फिर आप नीचे उतराओ, थोड़ा बहुत तो जाना पड़ेगा, उतराएंगे नहीं तो। यहाँ से
हम रॉक क्लाइंब में ही जाने वाले हैं, तो थोड़ी ना? बहुत सीढ़ी तो चढ़नी है। जाओ थोड़ी हुई जाओ से नीचे रोपवे में जा रहे हैं। अभी भी ट्रैफिक है यहाँ पर, देखो अभी कम है तो भी छाले में तो कम है, लेकिन 15-20 मिनट के बाद हमारा टर्न आएगा। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, तो अभी रोपवे में बैठ गए हैं। और जब ऊपर जा रहे थे तब शायद 5-5.5 मिनट में पहुंच गए थे, क्योंकि आज ट्रैफिक ज़्यादा था तो शायद स्पीड ज़्यादा होगी ऐसा लग रहा था। लेकिन ये लोग बोल रहे थे कि 8 मिनट की राइड होती है, 8 मिनट में पहुंच जाएंगे, और 8 लोग ही एक में बैठाते हैं ये लोग। तो बीच में कुछ कभी कभी एनिमल वगैरह देखने को मिलता है, लेकिन आज कुछ मिला नहीं। कभी कभी किसी को हिरन लायन ये सब देखने को मिलता है, लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि अभी मॉनसून की सीज़न में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे अभी जंगल में इतने सारे होते हैं कि नीचे कुछ होगा तो भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत ऊंची हाइट पे है ये। वैसे तो ये एशिया का बहुत ही ऊंचा है। तो आप लोग कभी भी रोपवे की राइड करने की सोच रहे हैं तो ऑनलाइन बुकिंग करके ही जाए, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन बुकिंग करके नहीं गए थे तो हमें 2.5 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा। सेम डे उसकी बुकिंग नहीं होती, अगले दिन ही करनी होती है, और वैसे हमारा प्लान कुछ था नहीं अगले दिन जाने का, इसलिए हमने बुकिंग की नहीं थी। तो सैटरडे संडे हो या कुछ भी हॉलीडे पे जाए तो अगले दिन बुकिंग करके ही जाए, क्योंकि सीधा हमारा टर्न आ जाता है ऑनलाइन बुकिंग वालों का, और साथ में आधार कार्ड रखना ज़रूरी होता है। Thank you.
નીચે હોય છો નીચે હોય તો બીક લાગે तो अभी हम आ गए हैं भवनाथ मंदिर पे दर्शन करने के लिए। अभी इतनी भीड़ भी नहीं है यहाँ पर, देखो बनाना ये सब खिला रहे हैं। तो अभी जस्ट निकले ही है और यहाँ पर खुशी के साथ बैठे। तुमको बाहर नहीं आना, नहीं आना, चलो अभी निकलते हैं। जाग गई? अभी भी नींद आ रही है? सोना है कि नहीं सोना है? अभी नहीं सोना। अभी यहाँ पर उठ के अभी नारियल पानी एंजॉय कर रहा है। यहाँ पर कोकोनट हलवा भी मिलता है रास्ते में। सोमनाथ हाईवे पर खड़े हैं हम, जूनागढ़ सोमनाथ हाईवे। अभी तो कोकोनट ही पी रहे हैं, हलवा नहीं खाना है। चुके हैं और हम आ गए हैं घर वापस। परो और खुशी दोनों अभी रास्ते में ही सो गए थे, तो भी यहाँ पर आके सीधा ही सो गए हैं। देखो यहाँ पर दोनों भी सो गए हैं अच्छे से। तो आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वे की राइडिंग बहुत ही अच्छी थी, मज़ा आया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तभी के लिए बाय बाय।